हेलो दोस्तों, मैं हिसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर सर जी पर। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सी पैनल। हो सकता है कि आप लोगों ने सी पैनल का नाम सुना हो या फिर ना सुना हो। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर आप भविष्य में कोई भी वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सी पैनल क्या है, सी पैनल कैसे काम करता है, सी पैनल के बारे में और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सी पैनल क्या है। सी पैनल एक लिनक्स बेस्ड वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल है। यानी कि जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होस्टिंग परचेस करते हैं। तो सी पैनल क्या करता है, सी पैनल उस होस्टिंग पर हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या सी पैनल फ्री है या पेड है। सी पैनल जो सॉफ्टवेयर है वो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब भी हम कोई शेयर होस्टिंग परचेस करते हैं तो होस्टिंग कंपनी की तरफ से ये हमें प्री इंस्टॉल मिलता है। जब भी हम होस्टिंग परचेस करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर हमें होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से एक यूजर आईडी तथा एक पासवर्ड मिलता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सी पैनल के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। सी पैनल के अंदर हम बहुत तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोड चेंज कर सकते हैं, कोड अपलोड कर सकते हैं, हमारी साइट का बैकअप ले सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेज कर सकते हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है PHP का उसे मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं भी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करके दिखाने वाला हूं कैसे कैसे और क्या क्या काम हम सी पैनल में कर सकते हैं। तो मिलता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो आप लोगों को शेयर कर दिया है। अब अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे सी पैनल के अंदर आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं। देखिए, सी पैनल के अंदर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो आपका डोमेन है, ठीक है, उस डोमेन का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डोमेन का नाम लिखता हूँ मेरे का www.core-pitch.com/, ठीक है। इसके बाद या तो आप स्लैश सी पैनल लिख दीजिए या फिर :colon2083, ठीक है, इस तरीके से लिखिए। अंदर एंटर आप प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये जो आपने जो URL दिया है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके सी पैनल के URL के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के नहीं दिखा रहा हूँ। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको आपके मेल एड्रेस पे मिल जाएंगे, जहाँ से भी आपने होस्टिंग परचेस किया है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जो अपना होस्टिंग का जो पैनल है वहाँ पे जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पे भी डायरेक्ट लॉग इन टू सी पैनल का ऑप्शन होता है। तो आप दोनों तरीके से लॉग इन कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप सी पैनल को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद सी पैनल कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रहे हैं, जैसे ईमेल्स आ रहा है, फाइल्स आ रही हैं, डेटाबेस आ रहा है, डोमेन्स आ रहे हैं, मैट्रिक्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रहा है। हो सकता है कि जो आप अपना सी पैनल ओपन करें तो उसके अंदर कुछ अलग तरीके से दिखे। तो सबका थोड़ा थोड़ा लुक जो होता है वो अलग हो सकता है, बट फंक्शनलिटी और आइकन जो होते हैं वो सबके लगभग सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल मैनेजर के बारे में। तो देखिए, फाइल मैनेजर क्या बताता है आपको। फाइल मैनेजर बताता है कि जो आपकी होस्टिंग है वहाँ पे कौन कौन सी फाइल आप लोगों ने सेव की हुई है। फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML नाम की डायरेक्टरी होती है, जो आपकी वेबसाइट की एक रूट डायरेक्टरी होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी काम करते हैं, मैं यहाँ पे शेयर होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे कुछ भी काम करते हैं, आप कोई भी फाइल आप यहाँ पे रन कर रहे हैं, जैसे कोई फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, एडिट करनी है, या फिर कोई नई वेबसाइट आपको अपलोड करनी है, तो वो सारा काम कहाँ पे होगा, पब्लिक HTML डायरेक्टरी के अंदर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइल फोल्डर अपलोड, ठीक है। अगर आप अपनी पब्लिक HTML डायरेक्टरी के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू फाइल के बटन पे क्लिक कीजिए। अगर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो न्यू फोल्डर के बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई फाइल पहले से अवेलेबल है और आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फाइल, जैसे मैं आपको डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये फाइल, जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए आपको अपलोड करता हूँ blueabstract.jpg, ठीक है। मैंने इसे अपलोड कर दिया है, मैं गो बैक जाता हूँ। गो बैक जाने के बाद देखिए ये यहाँ पे ये फाइल, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये रहा रिलोड का बटन, ये देखिए ये आ गया blue-abstract.jpg। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करना है, ये सारा प्रोसेस करना है। इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर वो सारी फाइल्स होंगी जो आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अंदर कुछ अलग फाइल्स होती हैं, जैसे कि सी पैनल है, ये जो सब फोल्डर बने हुए हैं अंदर काफी सारे ETC लॉग्स, मेल, पब्लिक FTP, SSL, TMP। तो
अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन डायरेक्टरी से छेड़खानी ना करें। अब बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सी पैनल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे ईमेल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, एंड ईमेल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि इन्फो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे बन जाएगा info@, ये जो डोमेन नेम हमारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डोमेन के अकॉर्डिंग अपना खुद का ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं। जो पासवर्ड है आप यहाँ पे पासवर्ड खुद का डाल सकते हैं, मैं पासवर्ड जो हूँ वो जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है हमने जनरेट कर लिया है, पासवर्ड को जनरेट कॉपी करके मैं रख लेता हूँ अपने पास, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा क्या होगा, ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो बन के तैयार हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं लॉग इन कर सकता हूँ चेक ईमेल बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे आप ये पूछ रहा है कि आप कौन सा जो मेल का जो क्लाइंट है, वेबमेल का जो क्लाइंट है वो सेलेक्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रन क्यू होता है, हम वही लेके चलते हैं और ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप केवल 2 से 3 स्टेप के अंदर खुद का ईमेल एड्रेस बना सकते हैं सी पैनल के थ्रू। इसके अलावा अगर आप अपने सी पैनल के अंदर अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं अपना, तो बैकअप आप देखिए किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा एक, देखते हैं PACK, ये रहा देखिए बैकअप। देखिए यहाँ बैकअप का ऑप्शन आ रहा है फाइल्स के अंदर, यहाँ बैकअप का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड ए फुल अकाउंट बैकअप एंड पार्शियल बैकअप। इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, जब हम डाउनलोड ए फुल अकाउंट बैकअप पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपसे डायरेक्टरी सेलेक्ट करवाता है कि आप कौन से डायरेक्टरी का बैकअप लेना चाहते हैं, होम डायरेक्टरी का या फिर FTP सर्वर का, किसका आप लेना चाहते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली जो होता है वो होम डायरेक्टरी ही होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईमेल आईडी हमको डालनी होती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, जो भी ईमेल एड्रेस आपका होगा उस ईमेल एड्रेस पे जब बैकअप जनरेट हो जाएगा तो आपको एक मेल भेज देगा कि भैया आपका बैकअप जो है वो जनरेट हो चुका है, आप बैकअप को डाउनलोड कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, जनरेट बैकअप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप जो बनता है, तो बैकअप बनने में आपके फाइल्स कितने GB के हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम है, 100 200 MB का है, तो जल्दी बन जाएगा, आपको जल्दी मेल आ जाएगा। अगर ज़्यादा है जैसे कि 7 GB 10 GB 40 GB 50 GB का है, तो हो सकता है कि इसमें आधा घंटा या फिर 1 घंटा लगे। तो जब भी ये बैकअप जब कंप्लीट होगा तो आपके पास मेल आ जाएगा, और देन आप क्या कर सकते हो, आपकी जो पब्लिक HTML डायरेक्टरी है ये फाइल मैनेजर के अंदर जाकर आपको यहाँ पर आपका बैकअप यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए ये रहा, इस तरीके से बैकअप जो है वो आपको शो होने लगेगा, और देन आप क्या करते हैं बैकअप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है यहाँ पे MySQL डेटाबेस। देखिए MySQL क्या करता है, MySQL जो भी आपकी डेटाबेस के अंदर जो भी डायनेमिक डेटा होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट के अंदर डायनेमिक डेटा क्या हो गया, कोई फैकल्टी की डिटेल्स हो गई, स्टूडेंट्स की डिटेल हो गई, यानी कि वो कुछ भी डेटा जो आप अपने यूजर से कलेक्ट करते हो या फिर यूजर को शो कराते हो, ठीक है, वो सारा डेटा कहाँ पे सेव होता है, किसी वेबसाइट के अंदर, MySQL के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सी पैनल के थ्रू नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ MySQL के डेटाबेस पे गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटाबेस का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 123, क्रिएट करता हूँ मैं। देन क्या करता हूँ, एक नया डेटाबेस यूजर बनाता हूँ 123, देन मैं उसका जो पासवर्ड है वो डालता हूँ, एंड पासवर्ड को मैं सेव जगह पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं ये क्या करता हूँ, यूजर क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो क्या करना है, आपको आपने जो डेटाबेस बनाया है, जो डेटाबेस यूजर जो आपने बनाया है, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसे में लिंक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने डेटाबेस आपने बनाया है, जैसे कि मैंने अभी ये बनाया था KPTAHOY123, ठीक है, ये एंड KPTAHOY_123, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस नेम हो गया। दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, देन ऐड के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल प्रिविलेजेस के बटन पे आपको क्लिक करना है, एंड देन मेक चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा,
कि जो आपका जो आपने यूजर बनाया है उस यूजर को उस डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए जितने भी प्रिविलेज चाहिए होते हैं, जितने भी उसको एक्सेस चाहिए होंगे, वो सारे एक्सेस उसको मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार जब आपने डेटाबेस बना लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पीएचपी में एडमिन का ऑप्शन आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पीएचपी में एडमिन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट करके पीएचपी में एडमिन एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमें ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है डेटाबेस के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डेटाबेस को आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दो डेटाबेस यहाँ पे हैं, एक डेटाबेस ये है जिसके अंदर कोई भी टेबल बना हुआ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, दूसरा डेटाबेस यहाँ पे ये है जिसके अंदर काफी सारा डेटा है। ठीक है, तो MySQL जो होता है वो डाटा कलेक्ट करने का काम आता है, डेटाबेस कलेक्ट करने का काम आता है। एंड ये हमारा हो गया, इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके अंदर एक बड़ी कमाल की चीज है, और वो है ये रहा, देखिए मल्टी पीएचपी मैनेजर, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके थ्रू जो पीएचपी का जो वर्जन है, ठीक है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पीएचपी 7.4 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वर्जन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी आपका डोमेन नेम है आप उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका पीएचपी का वर्जन है, ठीक है, जो भी आपका पीएचपी का वर्जन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो होस्टिंग है उसके लिए जो पीएचपी का जो वर्जन चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। जब भी हम जो पीएचपी का जो वर्जन सेलेक्ट करते हैं, हम नॉर्मल इसको लेटेस्ट रखते हैं ताकि उसके अंदर जो पुराने बग्स वगैरह हैं, जो सिक्योरिटी पैचेज हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाए, बग्स जो है वो हट जाए, सिक्योरिटी पैचेज जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो सी पैनल पे हम आ गए हैं। इसके अलावा देखिए एक ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप वर्डप्रेस के, सॉरी यहाँ पे का बहुत सारी सी पैनल के थ्रू ही आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी पैनल के थ्रू ही बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अगर आप चाहें तो सी पैनल आपने आपने होस्टिंग परचेज कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, जूमला इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी स्क्रिप्ट इसमें दी हुई है, जैसे लॉरावल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की जो स्क्रिप्ट है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दी हुई है। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा। जैसे मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ एंड वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ये बटन आ रहा है। ठीक है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, देन क्या होगा, प्रोसेस चलेगा। मैं इस प्रोसेस आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जो मेरा वेबसाइट है उसके अंदर पहले से ही एक वेबसाइट दूसरा चल रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं करके दिखा सकता। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरा अगर स्क्रिप्ट आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रूपल सेलेक्ट करते हैं, जूमला सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी सेम है, आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। उसके अंदर वो कुछ चीज़ें पूछते हैं, जैसे डेटाबेस का नेम हो गया एंड डेटाबेस की अदर डिटेल्स हो गए, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, आपका होस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीज़ें वो पूछते हैं। देन आप स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।